इस बीच एक अहम जानकारी ये भी, करौली सरकार देश के लोगों का ही इलाज करने का दावा नहीं करते, बल्कि करौली सरकार का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बड़ा दावा है। रूस यूक्रेन में शांति करा सकता हूं, ऐसा करौली सरकार ने दावा किया है। दोनों राष्ट्रों में दोस्ती मुमकिन है, सनातन हर दुश्मनी को खत्म करवा सकता है, करौली सरकार ने यह भी दावा कर दिया है। आइए सुनिए क्या कहा है उन्होंने। आपके मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पे देख रहा था कि आप यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जैसी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। दावा ऐसा नहीं किया, मैं दावा थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो विधि बता रहा हूँ मैं। भाई आओ, अगर नहीं लड़ना है, यहाँ पति पत्नी लड़ रहे हैं, तलाक जा हो रहा है, यहाँ आते हैं, अपना एक दिन का अनुष्ठान करते हैं, यहाँ ऐसे जाते हैं जैसे आज शादी हुई है, उसके बाद बोल के थैंक यू शर्माते हैं आपस में, जो गाली गलौज कर रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, तलाक हो रहा होता कोर्ट में, यहाँ तो 6 साल बाद लोगों ने आके दोबारा शादी की है, देखिए वीडियो, केवल यहाँ पे पति ने अलग किया, पत्नी ने अलग किया हवन, और दोनों की बुद्धि खुल गई, उनका बड़ा गलत किया, ये तो कैसे कर लिया, फिर दोनों ने ही शादी की, वीडियो पढ़े दिखा देना भाई सबको। अब यहाँ तो ये होता है, तो जब वो पति पत्नी तो तलाक ले गए एक हो जाते हैं, तो दो राष्ट्र क्यों एक नहीं हो सकते, दो राष्ट्र अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते, दोनों को आना पड़ेगा, क्यों नहीं आना पड़ेगा, पति पत्नी आ रहे उनको आना पड़ेगा, क्योंकि जादू टोना तो हो नहीं रहा कि मैच कर देंगे, वैदिक नियम का पालन करना पड़ेगा, सनातन धर्म का जो है, जो दरबार में है, और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई पद्धति उस पर करना पड़ेगा।